दोस्तों, ये कल्याण स्कॉलरशिप का मौसम अब आ चुका है और साथ ही साथ ठंडी का भी मौसम लेकर के भी आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोग कौन कौन सा ठंड से बचने के लिए ड्रेस को ले चुके हैं और कौन कौन सा ड्रेस को लेना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 10वीं कक्षा को पास कर चुके हैं और अब आप लोग एक कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें अपलोड करना है, इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग एक कल्याण स्कॉलरशिप में 2020 या 21 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार से एक कल्याण स्कॉलरशिप में रिन्यूअल करना और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए अपलोड करना है, दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म को भरने से पहले आपको इन सभी चीज को ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है। जैसे कि दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको एक कल्याण स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करते समय लगने वाला है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको किस प्रकार से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करके बनाना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। दोस्तों, एक कल्याण स्कॉलरशिप में अपना फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 10वीं का मार्क्स होना जरूरी है और इसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के प्रक्रिया से बनवाना है। इसके बाद ऑप्शन आता है तीसरा में आय प्रमाण पत्र का, जो कि वो भी आपको ऑनलाइन ही बनवाना है। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का एक यहाँ पर डेट दिया हुआ रहता है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र का एक्सपायरी डेट 6 महीने के बाद हो जाता है। 6 महीने से पहले ही अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आप इसे पुराना वाला, अगर एक्सपायरी डेट वाला अगर आय प्रमाण पत्र को इसमें अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए इस कल्याण स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। आपको आय प्रमाण पत्र के लिए फिलहाल में ही अप्लाई करवाना है, जो कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रज्ञा केंद्र में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद से आय प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं, मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा कि आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कैसे आपको अप्लाई करके बनाना है। दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर 4th नंबर में निवास प्रमाण पत्र की आपकी जरूरत होती है, जो कि आपको निवास प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही बनवाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जाति और निवास प्रमाण पत्र का भी एक डेट होता है, जो कि आप 3 साल के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का डेट एक्सपायर कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है स्कूल कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपना कॉलेज से ही बनवाना होता है ये सर्टिफिकेट। जब ये कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो आपका स्कूल या कॉलेज में भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलना भी शुरू कर दिया जाता है, जो कि आपका प्रिंसिपल होते हैं वही आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना करके देते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 6th में ऑप्शन आता है आधार कार्ड का, इसके बाद 7th में आता है बैंक पासबुक का। तो दोस्तों, यहाँ पर बैंक पासबुक को अपलोड करने से पहले यहाँ पर भी बैंक पासबुक पर भी एक ध्यान देना होता है। दोस्तों, ऐसे यहाँ पर कोई भी बैंक पासबुक आपको इसमें अपलोड नहीं कर देना है। जो भी बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा, आपको वही अपलोड करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका बैंक पासबुक में आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप सिंपली उस वीडियो को क्लिक करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बैंक पासबुक में आपका आधार कार्ड लिंक हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर 8th में ऑप्शन आता है पिछले साल का मार्कशीट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो पहले ही अपना 2020 या 21 में रजिस्ट्रेशन को करवा चुके होंगे, तो दोस्तों उनके लिए करना क्या है कि जैसे कि अगर आप अभी 12th क्लास में है तो आपको 11th का मार्कशीट को उसमें अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है एक रंगीन फोटोग्राफ का। एक कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक रंगीन फोटोग्राफ होना जरूरी है, तभी आप लोग एक कल्याण स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 10वां में ऑप्शन आता है एडमिशन नंबर का और एडमिशन डेट का। तो दोस्तों, इन सभी चीज को आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, जो कि आप यहाँ पर जैसे ही अपना कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आप लोग बनवाते हैं, उसमें आप एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपका दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा के ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही रखना है। जैसे ही कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर सफलतापूर्वक अपना एक कल्याण स्कॉलरशिप में अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र
नहीं है और आप उसे बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाके बनवा सकते हैं। अगर आप लोग खुद से ही अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र खुद से ही बनाना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि आप उन सभी वीडियो को क्लिक करके आप अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एक कल्याण स्कॉलरशिप से और कोई भी जानकारी अगर लेना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गाइस यार आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। गाइस यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यार गाइस चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।